गुजरात में नगरपालिका चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती घंटों की अगर बात की जाए तो जितनी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दिख रही थी अब वो कम हो गई है। बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब तक बीजेपी 44, कांग्रेस ने 27 सीटों पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस अच्छा कर रही है, 27 नगरपालिकाओं पर आगे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में बीजेपी का एक छत्र राज हुआ है। 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। राज्य में स्थानीय चुनाव के परिणाम आने शुरू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वतन में जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं उसमें वोट नंबर 1 में भाजपा को 3, कांग्रेस को 1 और वोट नंबर 2 की 4 सीटें भाजपा ने कवर कर ली है। हमारे साथ वो सारे उम्मीदवार है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें महिला उम्मीदवार भी है। खासतौर पर सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों को हो रही है क्योंकि स्थानीय चुनाव में कहा जाता है कि नगर पालिका की जीत कहीं ना कहीं जनता को विश्वास देती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जीत दर्ज की है, कितनी खुशी हो? वैसे भी ऑटो पे मुस्कान दिख रही है आप। दिख रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब को भी मैं कहती हूँ कि जहाँ भी होगी हमारे वडनगर की कमल खिलाया है और खिलाएंगे, ऐसा मैं कहती हूँ। मेरे साथ एक और उम्मीदवार है, उनसे भी बात करूंगा। आपने भी जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह काम करना चाहेंगे लोगों के, जब लोगों की उम्मीद अब आप पर बढ़ेगी? हमारी जीत, हमारा मित्रों और साथ सबने साथ सहकार दिया, हमने खुशी से जिताया। हम पालिका में सबके साथ रहेंगे, सब कुछ काम भी करेंगे उसके। जय हिंद जय भारत। एक मेरे साथ एक और उम्मीदवार है, जिस तरीके से जीत दर्ज की है काफी सारे समर्थक आपकी खुशियां भी मना रहे हैं, उत्सव जैसा माहौल है, जनता को क्या भरोसा देंगे, किस तरह का काम करेंगे? ज्यादातर मोदी साहब का सर नीचा करने के लिए जो कांग्रेस ने ये खेल खेला था उनके सामने हमने अपना जी जान लगा दिया है और मोदी साहब का सर ऊंचा कर दिया है और आगे कभी ऐसा सपने में भी सोच नहीं पाएंगे वो लोग, ऐसा काम हम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सपनों में सोच नहीं पाएंगे। लोगों में खास तौर पर उत्सव है, लोगों में कहां ना कहीं कि सबसे ज्यादा उत्सव का माहौल है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्थानीय चुनाव में जीत दर्ज हो रही है, धीरे धीरे जिस तरह की रुझान आ रहे हैं वैसे उनके समर्थक उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर वडनगर नगर पालिका में पूरे राज्य की निगाहें यहाँ पर टिकी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का वतन है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्साह, सबसे ज्यादा खुशी का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है। राज्य की 75 नगर पालिका में से वडनगर की ओर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी है। कैमरामैन प्रदीप के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज वडनगर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।